बेमेतरा में कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगल साहू ने शराबखोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शकुंतला का कहना है कि अवैध गांजा और शराबखोरी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं उन्होंने एसपी से शिकायत की। उन्होंने कहा कि लगभग सभी वार्डों में इसी तरह से अवैध गांजा और शराब की बिक्री हो रही है, लोग सट्टा खेल रहे हैं, शराबखोरी कर रहे हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की जा रही है। वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर मामले में सुनवाई नहीं की गई तो महिलाओं के साथ थाने का घेराव करेंगे। साथ ही उन्होंने इस दौरान कवर्धा पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से भी मामले की शिकायत की। बेमेतरा में 20-21 वार्ड में बहुत ज्यादा और वार्ड 3 और कई वार्ड और प्रभावित है। जुआ सट्टा बेतरती से वहाँ पे क्रियाकलाप हो रहा है और साथ में शराब है बहुत मात्रा में, ऐसी अवैध तरीके से बेची जा रही है। मैंने एसपी साहब को इस स्थिति से अवगत करा दिया है। अगर इसका निराकरण ना होने पर पूरी महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया जाएगा और थाना घेराव करने की।